हेलो गाइस, वेलकम टू द टीच मिस्टर महादेव चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताने वाले सैमसंग मोबाइल के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है मार्च महीने में, और इसका लॉन्च डेट, इसका प्राइस सभी कुछ बताएंगे। उसके पहले बताते हैं मोबाइल का नाम क्या है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A53 5G मोबाइल, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसका प्राइस, इसका स्पेसिफिकेशन, इसका लॉन्च डेट सभी आपको पता चलेगा। तो बस वीडियो में बने रहिए और ज्यादा कुछ नहीं, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बताएंगे आपको इसके ऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में। प्ले द इंट्रो। और गाइस, बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A53 5G मोबाइल के ऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है 11 मार्च 2022 को, और इसका प्राइस होने वाला है 24,990, जो कि 25,000 तक इसका प्राइस गया है। तो काफी ज्यादा इसका प्राइस है, और इस प्राइस में देखते हैं इस मोबाइल को लेना चाहिए या नहीं, इसमें क्या अच्छा है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस और जो अदर्स परफॉर्मेंस है सभी इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए फटाफट, और प्ले करते हैं हम फटाफट वीडियो, जो कि सबसे पहले बताते हैं आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि ये एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है, और कस्टम यूआई की बात करें जो कि सैमसंग 1 UI के साथ आने वाला है। और बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जो कि चिपसेट इसमें लगा है सैमसंग Exynos 1200 SoC का प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, काफी अच्छा स्मूथनेस गेमिंग दे देगा, ऑल परफॉर्मेंस दे देगा। और बात करते हैं इसके फैब्रिकेशन की, जो कि 6 nm के साथ आ रहा है और 6 GB रैम के साथ आ रहा है। तो और इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, एक्सीलेंट है गाइस इसका परफॉर्मेंस, जो कि आपको गेम्स खेलने में काफी मजा आएगा। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि एमोलेड स्क्रीन इसका डिस्प्ले होने वाला है, और स्क्रीन साइज की बात करते हैं 6.52 इंच की बड़ा डिस्प्ले। और इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल के साथ आ रहा है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 404 ppi के साथ रहने वाला है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट है, और बेजल्स के साथ आ रहा है विथ पंच होल डिस्प्ले, जो कि आप सब जानते हो इसका डिसेंट सा परफॉर्मेंस रहता है कैमरे का फ्रंट में लुकिंग वाइज। और स्क्रीन टच की बात करें तो मल्टी टच के साथ आ रहा है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मुझे लगा था इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और स्क्रीन परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है इन 25,000 के अंदर। अगर ये 25,000 के अंदर कंफर्म मोबाइल लॉन्च होने तो होता है, तो इस मोबाइल को आप कंफर्म जाके ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छा है। और बात करते हैं इसके डिजाइन की, जो कि सबसे पहले बताते हैं इसके थिकनेस की, 8.1 mm इसका थिकनेस है। और वेट की बात करें तो 189 ग्राम इसका वेट है, जो कि डिसेंट सा वेट है, ज्यादा वजन भी नहीं है। और बात करते हैं इसके वाटर प्रूफ, वो जो कि वाटर रेजिस्टेंस के साथ आ रहे हैं और डस्ट प्रूफ के साथ आ रहे हैं, तो सेफ्टी वाइज भी काफी अच्छा है मोबाइल है। और आते हैं इसके बैक कैमरे पे, जो कि बैक कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल मोनो कैमरा, 5 मेगापिक्सल डीप कैमरा, जो कि कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और इसमें ऑटो फोकस के साथ आ रहा है, OISO कंट्रोल के साथ आ रहा है, LED फ्लैश लाइट के साथ आ रहा है। इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो 9000x7000 पिक्सल के साथ आ रहा है। ISO का कंट्रोल है, शूटिंग मोड हाई डायनामिक रेंज HDR का सपोर्ट है। और कैमरा फीचर की बात करें तो डिसेंट है, जिसमें सब मोबाइल में जो कैमरा परफॉर्मेंस है इसमें भी है, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टेस्ट टू फोकस का सभी का सपोर्ट है इस मोबाइल में। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्सीलेंट कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट। और बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, जो कि 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब क्या चाहिए यार, डिस्प्ले एक्सीलेंट, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, कैमरा एक्सीलेंट। तो गाइस, ये मोबाइल को आप 100% जाके परचेस कर सकते हो।
और इस चैनल को फटाफट सपोर्ट कर दो ना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो भी इसका अनबॉक्सिंग हम ला पाएंगे। और बात करते हैं इसके बड़ी बैटरी की, छोटी नहीं बड़ी बैटरी की, जो कि 5000 mAh की बैटरी है। और इसका चार्जर है 25 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि 25 वाट का है, चलेगा कोई नहीं फर्क पड़ता, जो कि 5000 mAh की बैटरी है, जो कि एक दिन का बैकअप आराम से देगी, काफी काफी अच्छा परफॉर्मेंस से मोबाइल दे रहा है अभी तक। और बात करते हैं इसके स्टोरेज की, जो कि 6GB RAM 128 इंटरनल के साथ आ रहा है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो गाइस काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। और बात करते हैं इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी की, जो कि डबल सिम स्लॉट के साथ आ रहा है, और दोनों सिम नैनो सिम ट्रे के साथ आ रहा है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट है, और ये मोबाइल 5G होने वाला है तो 5G सपोर्ट है, और दोनों सिम 4G बैंड के साथ आने वाले। और इसी के साथ इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी की फ्यूचर की बात करें, जो कि वाईफाई के साथ आ रहा है, हॉटस्पॉट तो रहता ही है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, GPS NFC का सपोर्ट मिलता है, और USB कनेक्टिविटी की बात करें, जो कि USB चार्जर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और आते हैं इसके मल्टीमीडिया पे, जो कि लाउड स्पीकर के साथ आ रहा है, ऑडियो जैक 3.5 mm का सपोर्ट नहीं है, जो कि उसी की जगह USB टाइप सी का सपोर्ट है, जो कि आप चार्जर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, तो काफी ठीक है यार, कोई नहीं, आजकल एक नॉर्मल हो चुका है। और आते हैं इसके सभी सेंसर्स की तरफ, जो कि सभी सेंसर के साथ आ रहा है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट होने वाला है। और गाइस ये रिव्यू यहाँ तक ही, जो कि सब रिव्यू इसका आपको बता चुके, इसका प्राइस आपको बता चुके, इसका लॉन्चिंग डेट आपको बता चुके, सभी रिव्यू आपको बता चुके इस मोबाइल के बारे में, तो मेरे हिसाब से मोबाइल एक्सलेंट है, इस मोबाइल को जाके ले सकते हो 100%, सभी परफॉर्मेंस इसमें है, और इस 25 के रेंज में सभी 120Hz का डिस्प्ले, काफी काफी अच्छे स्मूथनेस मिल जाएगा आपको इस स्क्रीन के साथ सभी, तो मेरा रिकमेंड है ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसको आप जाके ले सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और आगे ऐसे मोबाइल्स के रिव्यू अनबॉक्सिंग जानने के लिए, देखने के लिए, इंडिया में कोई मोबाइल लॉन्च होएगा उसके सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको सब पता चलता है, तो चैनल को सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।